नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर और आप बिहारी न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हाल ही में बिहार के जमुई में सोने के खान पाए जाने की बात सामने आई थी, इसके बाद यहाँ के लोग खुशी से उछल पड़े थे। लोगों को जब यह पता चला कि उनके राज्य में सोने का खान मौजूद है, तब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं इसको लेकर तरह तरह के बातें भी होने लगी। कोई यह कहने लगा कि सोने का यह खान राज्य की गरीबी मिटा देगा, तो किसी को यह लगने लगा कि यहाँ की बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। यहाँ सोने का भंडार पाए जाने की बात संसद में भी बताई गई, जबकि यहाँ पर एक और खान होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड में लोहे का खान हो सकता है। संभावित लोहे के खान को लेकर सिकंदरा प्रखंड के मंजोश पंचायत में सर्वे के कार्य को किया जा रहा है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मौके पर पहुंचकर यहां से सैंपल कलेक्ट कर रही है। इस टीम के सदस्य पंचायत के अंतर्गत आने वाले पहाड़ी जमीनों की खुदाई करके वहां से सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। बताया जाता है कि करीब 2 दशक पहले जब एक बच्चा मंजूश पंचायत के किसी ज़मीन पर खेल रहा था, तभी उसके पास मौजूद चुंबक एक पत्थर के टुकड़े से चिपक गया, जिसके बाद यहां के लोगों ने यह पाया कि मंजूश पंचायत के पहाड़ी इलाकों में खोदी गई मिट्टी में कुछ अंश चुंबक में चिपक रहे हैं। यह देखकर यहां के लोगों को यह लगने लगा कि इस इलाके की मिट्टी में लोहे के कण मौजूद हैं। इस गांव की पहाड़ी इलाके में काले रंग के कई अवशेष देखने को मिले हैं, जिसे देखने पर ऐसा लगता है कि यहां की भूमि में लो अयस की मौजूदगी हो सकती है। जबकि ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार के शासनकाल के दौरान इस पहाड़ी पर से लोहा निकालने का काम किया गया था। इस बात का आधार मानते हुए कई बार इलाके में भूक्षेदन करके यहाँ की मिट्टी का सैंपल भी लिया गया। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो सर्वे के बाद इलाके में प्रचुर मात्रा में लौह अयस्क होने की खबरें सामने आ चुकी हैं। इस इलाके में 8 से 10 किलोमीटर के रेडियस में लौह अयस्क होने का अनुमान भी लगाया जाता रहा है, जबकि पहले किए गए सर्वेक्षणों में यहाँ 70 से 80% तक लौह अयस्क होने की बात सामने आ चुकी है। यहाँ की जमीन में 40 मीटर के बाद ही लौह अयस्क मिलने शुरू हो जाते हैं, जबकि 65 मीटर पहुँचने के बाद आयरन की संख्या में काफ़ी इजाफा हो जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो GSI की टीम सैंपल कलेक्शन के लिए पिछले 2 सप्ताह से उसी गांव में मौजूद है। यहां की जमीनों में करीब 200 से 250 मीटर तक छेद करके सैंपल लिया जा रहा है। सैंपल लेने के दौरान लौह अयस्क के अलावा सफ़ेद संगमरमर के कुछ अंश भी मिले हैं। हालांकि अभी तक अधिकारी इस पर कुछ भी खुलकर कहने से बच रहे हैं, लेकिन मीडिया में यह दावा किया जा रहा है कि कोलकाता जोन से आई GSI की टीम मंजूश गांव में लोहे के सैंपल इकट्ठा कर रही है। इन सैंपलों की जांच झारखंड के धनबाद में की जाएगी। जांच रिपोर्ट में सामने आए नतीजों से यह पता चल सकेगा कि यहां सच में लोहे के भंडार है या नहीं। लेकिन यहां मौजूदा समय में सर्वे कार्य होता देख यहां के स्थानीय लोग काफ़ी खुश हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस बार यहां बड़े पैमाने पर लौह अयस्क मौजूद होने की बात सामने आ जाएगी और यहां पर खान में लोहे का खनन शुरू हो जाएगा। आज की खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।